प्रिय विद्यार्थियों वंदे मातरम। करंट अफेयर श्रृंखला का भाग 16, जिसमें आज हम 1 और 2 जुलाई 2021 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, देश के प्रख्यात चिकित्सक जिनकी जयंती और पुण्यतिथि यानी 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। विकल्प है हमारे पास ए डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, बी डॉक्टर अशोक पनगड़िया, सी डॉक्टर राजेंद्र कपिला, डी डॉक्टर के अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को जिनकी जयंती और पुण्यतिथि को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे चिकित्सकों के समर्पण व सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के दिन के रूप में 1 जुलाई को पूरे भारत में मनाया जाता है। कब से मना रहे हैं? 1991 से डॉक्टर्स डे मना रहे हैं। अब बात करते हैं बीसी रॉय के बारे में। बीसी रॉय देश के प्रख्यात चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल का संबंध है। विकल्प है ए मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित एप्लीकेशन, बी स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, सी भारत व रूस के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास, डी है भारत सरकार का स्वास्थ्य मिशन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है इंद्रजाल। स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है इंद्रजाल। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम निर्माण करता है ग्रेनियर रोबोटिक्स कंपनी हैदराबाद। विशेषताएं क्या है? 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खतरों को नाकाम करने में सक्षम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित है। ये एक जालनुमा नेटवर्क तैयार करता है जो एक साथ कई हमलों को भांपने व रोकने में सक्षम है, जैसे UAV हो चाहे मिसाइल हो। चर्चा में क्यों है? चर्चा में रहने का कारण है, हाल ही में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले से सुरक्षा एजेंसियों के सामने पेश हुई चुनौती के कारण ये चर्चा में है। क्या स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम इंद्रजाल। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? विकल्प है हमारे पास ए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बी SEBI द्वारा, सी वित्त मंत्रालय, डी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। सही उत्तर इसका होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाती है RBI द्वारा। RBI हाल ही में RBI ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया। बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पर। RBI का एक अर्धवार्षिक प्रकाशन है, यानी वर्ष में 2 बार जारी की जाती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। क्या बात करती है? यह भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता स्टेबिलिटी का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। वित्तीय क्षेत्र के विकास डेवलपमेंट और रेगुलेशन विनियमन से संबंधित मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाती है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY की अवधि को 30 जून 2021 से बढ़ाकर कितनी की गई? विकल्प है 1 फरवरी 2022, 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2023, डी है 30 जून 2023। तो इसका सही उत्तर होगा 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये संगठित क्षेत्र के लिए लेके आए थे, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए लेके आए थे, जिनका कोरोना के कारण COVID-19 के कारण रोजगार विलोपित हो गया था। योजना आरंभ की गई थी 1 अक्टूबर 2020 को। सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार सृजित करने, COVID-19 महामारी के दौरान विलोपित रोजगार की पुनर्स्थापना हेतु नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स को प्रोत्साहित करने हेतु इसे आरंभ किया गया। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? EPFO। क्रियान्वयन एजेंसी है EPFO। चर्चा में क्यों है? यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक के लिए आरंभ की गई थी।
अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक इसे संचालित किया जाएगा। यह है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस तिथि तक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC योजना अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं? 31 जुलाई 2021, 31 दिसंबर 2021, 12 मार्च 2022, 7 जून 2022। तो सही उत्तर होगा 31 जुलाई 2021 तक सभी राज्यों को निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने के लिए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 अगस्त 2019 से देश के 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लॉन्च किया गया था। 1 जून 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया। देश के 16 राज्यों ने इसे लागू किया। उद्देश्य क्या है? देश के सभी नागरिकों को एक राशन कार्ड से देश के किसी भी क्षेत्र में राशन उपलब्ध कराना, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी को सुनिश्चित करना, जो प्रवासी लोग हैं उनके लिए योजना रामबाण साबित होने वाली है। नोडल एजेंसी कौन सी है? FCI क्या है? भारतीय खाद्य निगम इसकी नोडल एजेंसी है। दिसंबर 2020 तक इस योजना से देश के 32 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसे 31 जुलाई 2021 तक पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिए हैं वन नेशन वन राशन कार्ड को। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। अभी हाल ही में 1 जुलाई को भारत सरकार के किस महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप कार्यक्रम को 6 वर्ष पूरे हो गए हैं? विकल्प है मेक इन इंडिया अभियान को, GST वस्तु एवं सेवा कर, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो 6 वर्ष पूरे हो गए हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जिसे लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को, इसको लॉन्च किया गया था। तो इसको 6 वर्ष 1 जुलाई 2021 6 वर्ष हो गए हैं। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के अंदर है। उद्देश्य क्या है? डिजिटल सशक्त समाज, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण। इस योजना के 3 फोकस क्षेत्र हैं। पहला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड, तीसरा है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजंस। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत लिए गए नवाचार, इन 6 वर्षों में कई नवाचार जो लिए गए हैं, एक तो पेमेंट का माध्यम भुगतान सेवा को आधार से जोड़ दिया गया। उत्तर पूर्व भारत में नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो आउटसोर्सिंग BPO प्रोत्साहन स्कीम लॉन्च की गई, एग्री मार्केट ऐप, भीम ऐप, ऐसे कई इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा लिए गए। डिजिटल इंडिया मिशन के 6 वर्षों की उपलब्धियों पर बात करें तो क्या उपलब्धियां हैं? पहला है कि इंडियाज राइज इन द यूएन ई गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का क्या है कि रैंक ऊपर बढ़ी है। ग्रोथ इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएशन ऑफ आधार डेटाबेस, स्वयं जो एजुकेशन ऐप है, फ्री ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया मिशन के समक्ष चुनौतियां क्या है? चुनौतियां है डिजिटल डिवाइडिंग की चुनौतियां है। ऐसे रिमोट एरिया, दूरस्थ इलाकों में जहां पर इंटरनेट की पहुंच नहीं है, तो वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज है। विभिन्न विभागों में जो समन्वय का अभाव देखने को मिलता है और रेगुलेशन कमजोर है, विनियमन कमजोर है डिजिटल इंडिया मिशन। अब आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? विकल्प है ITU, WEF, ICT ग्लोबल साइबर नेट। तो इसका सही उत्तर होगा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI जारी किया जाता है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक को ICT के लिए UN की एक एजेंसी ITU अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा जारी किया जाता है। यूएन की एक एजेंसी है ITU। भारत इस वर्ष 10वें स्थान पर रहा था सूचकांक में। भारत की रैंक है 10वें स्थान पर। दक्षिण एशिया में
बहुत अच्छी, चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से भारत आगे है, इसमें चाइना से भी आगे है, 10वें स्थान पर रहा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 4थे स्थान पर रहा, इस रैंकिंग में यूएसए रहा प्रथम स्थान पर, यूके रहा दूसरे स्थान पर। जीएसआई रैंकिंग में जो 5 स्तंभों पर आधारित है, कौन कौन से 5 स्तंभ हैं? कानूनी उपाय, लीगल मेजर्स जो होते हैं, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स होते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण के उपाय, ऑर्गेनाइजेशन या संगठनात्मक उपाय, और सहयोग यानी जो कोऑर्डिनेशन होता है सहयोग। इन 5 मेजर पिलर पर आधारित है जीसीआई रैंकिंग। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8 है। अभी हाल ही में किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर 6 और माह के लिए सैन्य बल विशेष शक्तियां अधिनियम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ्सपा बढ़ा दिया गया है? विकल्प है जम्मू एंड कश्मीर, बी छत्तीसगढ़, सी नागालैंड, डी आसाम। तो इसका सही उत्तर होगा सी नागालैंड। नागालैंड उत्तर होगा। गृह मंत्रालय ने हाल ही में, होम मिनिस्ट्री ने एक अधिसूचना जारी कर संपूर्ण नागालैंड क्षेत्र को अशांत व खतरनाक स्थिति में घोषित कर वहां पर आफ्सपा को 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया है, और रिपोर्ट में बोला कि नागालैंड में आफ्सपा की आवश्यकता है। आफ्सपा क्या है इस पे बात कर लेते हैं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आफ्सपा ये लेके आए थे 11 सितंबर 1958 को संसद ने आफ्सपा को पारित किया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए 11 सितंबर 1958 को आफ्सपा लेके आए। सैन्य बल को अशांत क्षेत्रों में व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए असाधारण शक्तियां और उन्मुक्तियां प्रदान करता है। ये सैन्य बलों को, आर्मी को अशांत क्षेत्रों में क्या है कि असीमित शक्तियां और इम्यूनिटीज प्रदान करता है। राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र किसी क्षेत्र को क्या करता है, अशांत क्षेत्र घोषित करता है। स्टेट की रिपोर्ट पर केंद्र किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करता है, और जो क्षेत्र अशांत घोषित होता है वहां सेना को असीमित शक्तियां प्राप्त होती है, जैसे बिना वारंट की गिरफ्तारी हो, तलाशी हो, किसी घर की तलाशी हो, किसी वाहन की तलाशी हो, उनको लगता है कि इनमें एंटी नेशनल कोई एलिमेंट कोई है, एलिमेंट है, व्यक्ति है, आतंकवादी है, तो उसकी जांच कर सकता है। और अशांत इलाकों में सीधे गोली मार देने का अधिकार सेना को मिलता है, और आरोपी व्यक्ति को मृत्यु हो जाने तक बल प्रयोग करने का सेना को विशेष अधिकार आफ्सपा के तहत मिलता है। आफ्सपा जो 1958 में स्पेशली लेके आए थे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व भारत में जो विघटनकारी तत्व हैं उनको रोकने के लिए, विभाजनकारी तत्वों को रोकने के लिए, क्योंकि लगातार आजादी के साथ ये मांग रही थी कि नागालैंड या उत्तर पूर्व के जो जनजाति कबीले इलाके थे उन्होंने अलग राष्ट्र की मांग की थी, तो इन विभाजनकारी तत्वों को रोकने के लिए आफ्सपा जैसे कानून को लेके आए गए। 1958 में आफ्सपा लेके आया था, बाद में इसको अन्य स्टेट में बढ़ाया था, जैसे पंजाब में जब आतंकवाद बढ़ा तो वहां पर भी आफ्सपा का यूज हुआ। 1990 में जम्मू कश्मीर में आफ्सपा लागू किया गया। आफ्सपा अभी वर्तमान में किन स्टेट में लागू है? वर्तमान में ये असम में, जम्मू कश्मीर में, अब लद्दाख में, नागालैंड में, मणिपुर में, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में आफ्सपा को लागू किया गया है। आफ्सपा काफी विवादों में रहा कानून बनने के साथ, ये क्या है कि विवादों में रहा, जैसे सैनिक अधिकार बनाम नागरिक अधिकार को लेकर ये विवाद में रहा। लोकतांत्रिक राष्ट्र में, डेमोक्रेसी में से ऐसा कानून, आफ्सपा जैसा कानून स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आफ्सपा के संबंध में बोला था कि कानून की आड़ में न्यायतर हत्या या कार्यवाही नहीं हो सकती। और मणिपुर में आपको ध्यान है इरोम शर्मिला चानू का सत्याग्रह जो आफ्सपा के खिलाफ था, और न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी आयोग बना था 2005 में, इन्होंने भी आफ्सपा को निरस्त करने की सिफारिश की थी, अनुशंसा की थी। यह था आफ्सपा कानून। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाइड 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? विकल्प है ए भाला फेंक, बी तीरंदाजी, सी डिस्कस थ्रो, डी शॉट पुट। तो देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो भाला फेंक से देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है। देवेंद्र झाझड़िया बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 10 जून 1981 को चूरू राजस्थान में इनका जन्म हुआ।
खेल है भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है। 2004 के एथेंस पैरालंपिक और 2016 के रियो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त किया। पुरस्कार उनको पद्मश्री मिल चुका है 2012 में, अर्जुन पुरस्कार खेल जगत का 2004 में मिल चुका है, और खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 2017 में देवेंद्र झाझड़िया को प्राप्त हो चुका है। अभी उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। पैरालंपिक खेल जो ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद आयोजित करवाए जाते हैं। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, वो है चंडाविया एप्लीकेशन ऐप जो है का संबंध किससे है। विकल्प है कोरोना की हुई मृत्यु के आंकड़े जुटाने से, कालबेलिया नृत्य को परंपरागत कलाकारों द्वारा सिखाने से संबंधित, स्कूली शिक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम, डी है आत्मरक्षा हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कालबेलिया नृत्य को परंपरागत कलाकारों द्वारा सिखाने से संबंधित है। सिखाने से संबंधित क्या है, चंडाविया एप्लीकेशन है। कोविड-19 महामारी के कारण चंडाविया एप्लीकेशन कालबेलिया करने वाले छात्रों के मध्य लोकप्रियता हासिल करना, जिसमें एक ग्रुप कॉल के माध्यम से परंपरागत कलाकार जो अपने कौशल को बनाए रखना चाहते हैं छात्रों को कालबेलिया नृत्य सिखाते हैं। इस डिजिटल माध्यम से क्या है कि फोक जो कल्चर है उसको सिखाने का काम हो रहा है। तो इसी तरह का ऐप है चंडाविया ऐप जो चर्चा में रहा। बात करते हैं कालबेलिया नृत्य के बारे में, तो कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जनजाति जो राजस्थान के अंदर, राजस्थान में भी पाली जिले में सर्वाधिक मिलती है, के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है कालबेलिया नृत्य। इसे केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं तथा संगीत प्रदान करते हैं। यूनेस्को ने 2010 में कालबेलिया नृत्य को किसमें शामिल किया था, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कालबेलिया नृत्य को शामिल किया था। तो यहां 10 प्रश्न हमने पूरे किए, कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत।